फिटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, हमारा फिटर का सेकंड चैप्टर चल रहा है, माप और माप लेने वाले औजार, जिसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि माप किसे कहते हैं, माप के प्रकार कौन कौन से हैं, माप की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, माप की विधियाँ कौन कौन सी हैं। साथियों, हमने पिछली वीडियो में माप की 15 यूनिट देखी थी। आज हम नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले यूनिट को। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने चूल होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 64 चूल। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने किलोमीटर होते हैं। इसका आंसर है 1.609 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। इसका आंसर है 0.6213 किलोमीटर मील, 0.6213 मील। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं। 453.6 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। इसका राइट आंसर है 100 किलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 1000 किलोग्राम। साथियों, ये क्वेश्चन NFL के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 1000 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, 1 मील में कितने गज होते हैं। तो इसका आंसर है 1760 गज। अगला क्वेश्चन है, 1 यार्ड, यार्ड को साथियों गज कहा जाता है। ठीक है, 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 3 फिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मील में कितने फड़लाग होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 8 फड़लाग। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ग फुट में कितने वर्ग होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 144 वर्ग। ये भी NFL में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ग यार्ड में कितने फुट होते हैं। वर्ग यार्ड, यार्ड साथियों गज। ठीक है, 1 वर्ग यार्ड में कितने फुट होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 9 वर्ग फुट। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 2.5 हेक्टेयर, नहीं 2.5 एकड़। साथियों, क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो इसका आंसर है 2.5 एकड़। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 4840 वर्ग गज। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 43,560 वर्ग फुट। ठीक है, 43,560 वर्ग फुट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, साथियों 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 4,046.94 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं। 28.35 ग्राम। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेकंड होते हैं। साथियों, 60 सेकंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। साथियों, इसका आंसर है 100 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1 माइक्रोन में कितने मिली मीटर होते हैं। तो 0.001 मिलीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर है 3.6 × 10^6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो साथियों, 3.6 × 10^6 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं। साथियों, 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, देखिए,
एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो साथियों यहाँ पर था 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन जब सेंटीमीटर की बात आती है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? साथियों इसका राइट आंसर है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 159 लीटर, ठीक है। साथियों एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। साथियों ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 9.46 × 10^15। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 3 × 10^16 मीटर। साथियों इसको घात कहा जाता है, ठीक है, पावर। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है 10^-9 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है 10^-3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है 10^-7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10^-7 सेंटीमीटर, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10^-7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 10^-10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं? साथियों देखिए मीटर है यहाँ पर और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो जब मीटर में यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, -10 घात है, तो यहाँ पर 2 रह जाएंगी। सेंटीमीटर में 2 जीरो होती है ना, तो यहाँ पर 2 घट जाएंगी साथियों, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का, 10^-8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है 10^-15, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फर्मी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो साथियों जैसे कि हमने देखा पिछले इसमें, तो यहाँ पर 10^15 था, यहाँ पर मीटर है ना, तो यहाँ यहाँ पूछा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 घात कम हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 10^-13 सेंटीमीटर, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 10^5 पास्कल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फैदम में कितने मीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 10^6 नहीं, इसका राइट आंसर है 6 मीटर। एक फैदम में कितने मीटर होते हैं? तो 10, ये होते हैं 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बैरल में कितने गैलन होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 37.5 गैलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्यूबिट में कितने इंच होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 18 इंच। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल।